प्रदेश के नव नियुक्त शिक्षकों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 5 दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिसर में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के दूसरे चरण में शेष बचे 36,590 पदों को भरे जाने की काउंसलिंग बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो सभी जिला मुख्यालयों पर 2-4 दिसंबर तक काउंसलिंग किया जाना है और 5 दिसंबर को सभी जिलों में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि गोरखपुर में 644 नवनियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा तथा शेष जनपदों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, BSA भूपेंद्र नारायण सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कहा, परंपरागत रूप से बुलाते हैं सारे माननीय लोगों को भी, सारे जनप्रतिनिधियों को, विश्वविद्यालय को और ठीक है। अच्छा है, मौसम तो ठीक है, शिक्षा भवन की एक और समस्या है, मेरा लगता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी भाग देंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। पहले चरण में 31,227 को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। दूसरे चरण की काउंसलिंग अभी चल रही है 2-3-4 दिसंबर को, उसके उपरांत 5 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से गोरखपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गोरखपुर और बस्ती मंडल के 5-5 अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे और उनकी उपस्थिति में ही गोरखपुर जनपद के सभी अभ्यर्थियों को, जिनकी संख्या 650 से अधिक है, उनको भी नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। और उसी समय पूरे प्रदेश के कई जिलों के अभ्यर्थियों से वो बात करेंगे सीधे ऑनलाइन माध्यम से, तथा प्रदेश के सभी जिलों में वहाँ के प्रभारी मंत्रीगण और माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। सर, क्या इससे नौकरी जो मिल रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, आप देखिए इस कोरोना काल में जहां दुनिया भर में कई जगह लोगों की नौकरियां चली गईं, ऐसे में ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। 69,000 लोगों को इसी कोविड की महामारी के दौरान नौकरी मिली है, आधे लोगों को मिल गई, आधे को मिलने जा रही है, 5 तारीख को सबको नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे। एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है ये, इससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में भी हमको सुविधा मिलेगी, हर स्कूल को टीचर मिलेंगे और 69,000 नौजवानों को रोज़गार मिला है। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है।